देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्राइम की पहली खबर, सातों पारा शिक्षकों को नहीं मिली बेल, अब जाएंगे ऊपरी अदालत में। प्राइम की दूसरी खबर, मामूली विवाद को लेकर मांडर में ट्रिपल मर्डर, मवेशियों के फसल खाने की शिकायत करने पर दो ग्रामीणों की हत्या, नाराज लोगों ने आरोपी को मार डाला। प्राइम की तीसरी खबर, दुमका में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोरेन परिवार पर साधा निशाना, कहा वंशवाद की राजनीति खत्म करनी है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी एजेंसी से जांच करा ले कि मैंने किस गरीब की जमीन लूटी है। प्राइम की चौथी खबर, बांग्लादेश के रास्ते नकली नोट पहुंच रहे झारखंड, एनआईए करेगी जांच, झारखंड के सीमावर्ती जिले हैं टारगेट। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में जेल में बंद सात पारा शिक्षक नेताओं को कोर्ट से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत ने खारिज कर दी है। जिन पारा शिक्षकों की जमानत याचिका खारिज हुई है उनमें संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रद्युमन कुमार सिंह, बजरंग प्रसाद साहू, प्रमोद कुमार महतो, मोहन कुमार मंडल और विकास कुमार यादव शामिल हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार अब वे ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में अब वे जमानत याचिका दाखिल करेंगे। बता दें कि 283 पारा शिक्षकों को जेल भेजा गया था। इनमें प्रधान न्यायायुक्त की अदालत से 268 पारा शिक्षकों को अलग अलग तिथियों में जमानत मिल चुकी है। इसमें 33 महिला पारा शिक्षिका भी शामिल हैं। इनके खिलाफ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मोहराबादी मैदान में आयोजित समारोह में काला झंडा दिखाने सहित सरकारी कामकाज में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने आदि का आरोप है। इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे राज्य में पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। मांडर थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव में रविवार की देर रात मामूली विवाद में एक शख्स ने दो लोगों की तलवार और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीण जुटे और उन्होंने आरोपी को भी मार डाला। दोनों मृतक आरोपी के घर यह शिकायत करने आए थे कि उनके मवेशी ने खेत में लगे गेहूं की फसल को खा लिया। आरोपी मानसिक रूप से विचलित था। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतकों में रोशन उराव, शिवा उराव और मानसिक रूप से विचलित बिरसा उर्फ सुका शामिल है। रोशन नगड़ा पंचायत की मुखिया सुजाता टोप्पो का देवर था। ग्रामीणों के अनुसार रोशन और शिवा बीती रात बिरसा के घर पहुंचे और उनके मवेशी को लेकर शिकायत कर रहे थे। इसी दौरान बिरसा ने दोनों पर तलवार और कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका में भी सोरेन परिवार पर निशाना साधा। जामा विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ प्रखंड के कटबिंधा में आयोजित जन चौपाल में उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति को खत्म करना होगा। मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन परिवार पर जमकर प्रहार किया। कहा कि सोरेन परिवार ने दुमका, धनबाद, बोकारो सहित कई जिलों में CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करती है, यह सरकार गरीबों की जमीन लूट लेगी, लेकिन सच यह है कि जमीन लूटने का काम सोरेन परिवार कर रहा है। उन्होंने अपने ऊपर गरीबों की जमीन लूटने के लग रहे विरोधी दलों के आरोपों पर चुनौती दी कि किसी से भी जांच करवा ले। वे 1995 से विधायक हैं, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने, जमशेदपुर के अलावा कहीं उनकी कोई जमीन नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर। रांची रेलवे स्टेशन के पास से बरामद 2 लाख रुपए के नकली नोट मामले की जांच अब एनआईए करेगी। नकली नोटों के कारोबारियों के लिंक बांग्लादेश से जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। झारखंड ATS की ओर से जांच के लिए गृह विभाग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया। बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन से जिस तरह से 2000 के नोट बरामद किए गए, नोटों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये नकली नोट हैं। उनकी छपाई भी काफी उच्च कोटि की है। ATS के अधिकारियों के अनुसार बांग्लादेश के जरिए ये नोट भारत में लाए जा रहे हैं। इसके लिए झारखंड के सीमावर्ती जिलों को टारगेट किया जा रहा है जो बांग्लादेश के नजदीक हैं।
एटीएस को यह सूचना मिली थी कि बंगाल से नकली नोटों की एक खेप रांची लाई जा रही है। इसी सूचना पर एटीएस की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 लाख के नकली नोट बरामद किए गए थे। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। कोलेबीरा उपचुनाव के लिए भाजपा के बसंत और कांग्रेस के विक्सल ने किया नामांकन। कोलेबीरा विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को कांग्रेस के विक्सल पुंगाड़ी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बसंत सोरेन ने नामांकन किया। कांग्रेस के नामांकन के दौरान कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी पीएन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सहित लोहरदगा के सांसद धीरज साहू, विधायक एवं कई प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, प्रोफेसर आदित्य साहू, विधायक विमला प्रधान, राम कुमार पाहन, सिमडेगा जिला अध्यक्ष बसंत कुंज समेत कई वरीय नेता तथा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मेयर का विरोध, नहीं दे सकी वोट। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में राजधानी की मेयर आशा लकड़ा के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मतदान सूची में नाम नहीं होने के कारण और सरकारी गाड़ी में बूथ पहुंचने की वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। देर तक छात्रों ने उनके और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मेयर आशा लकड़ा रांची यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग की छात्रा है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण उनका विरोध हुआ। इसके कारण पीजी विभाग स्थित बूथ पर लगभग 45 मिनट तक अफरा तफरी की स्थिति रही। मेयर आशा लकड़ा भूगोल विभाग से पीएचडी कर रही हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। जामताड़ा के मंदिर से 1 करोड़ के जेवरात की चोरी। साइबर क्राइम के लिए बदनाम हो चुके झारखंड के जामताड़ा जिले में भगवान को भी नहीं बख्शा जा रहा। यहां के एक मंदिर से 1 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरे के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस घृणित काम को अंजाम देने वाले अपराधियों ने मंदिर के पुजारी को नग्न करके पूरी तरह से पीटा। उसके हाथ पैर बांध कर मंदिर की बेदी से रानी सती दादी के गहने ले गए। चतरा में 2 लाख का इनामी टीपीसी जोनल कमांडर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने टीपीसी के 2 लाख के इनामी जोनल कमांडर सुरेंद्र गंजू उर्फ मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 87,520 रुपए नकद और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मनीष की गिरफ्तारी उसके पैतृक घर लावालोंग से हुई है। उसकी गिरफ्तारी से टीपीसी में बवाल मचा हुआ है। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।